गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। तो माय नेम इज मुकेश पुरवा एंड आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कार्बल एमाइन रिएक्शंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर द व्यू ऑफ नीट एंड जी एंड फॉर क्लास 12 ऑल्सो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्बल एमाइन रिएक्शंस विद इट्स मैकेनिज्म which is not given in your CBSE textbook, but we will discuss the mechanism of carbolamine reactions, then reactions with nitrous acid, then we will discuss the most important point of our chapter, that is benzene diazonium salt. It is very important salt in organic chemistry. Then we will discuss later some other chemical reactions performed by the primary amine and the aromatic amines. So let's discuss, let's start our today's topic. तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कार्बल एमाइन रिएक्शन। तो कार्बल एमाइन रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों reactions whenever primary amine react with 1 minute yes dear student. So whenever primary amine react with chloroform in the presence of KOH. So what is KOH? KOH is potassium hydroxide and CHCl3 means chloroform. It is chloroform. CHCl3 means chloroform and it is 1 degree amine. It is 1 degree amine. So when 1 degree amine react with chloroform in the presence of potassium hydroxide, a foul smelling compound is formed. A foul smelling compound is formed and that foul smelling compound is alkyl isocyanide and KCl is formed and along with water molecule. तो ये chemical reaction है बच्चों carbon amine की। और जो carbon amine reaction है बच्चों वो सिर्फ primary amine, primary aliphatic amine and primary aromatic amines ये reaction show करते हैं, secondary amines and tertiary amines ये reactions show नहीं करते हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। प्राइमरी एमाइन के अंदर बच्चों प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन ये रिएक्शन शो करेंगे कार्बल एमाइन रिएक्शन। और कार्बल एमाइन रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, प्राइमरी एमिन चाहे वो एलिफेटिक एमिन हो चाहे वो एरोमेटिक एमिन हो, वो क्या करेगी बच्चों रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनाइड। एंड इफ एराइल एमाइन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट विद एल्कोहल alcoholic KOH in the presence of chloroform, then aromatic isocyanide are formed and these compounds are very foul smelling compound, very bad smelling compound, like very bad smelling compound, jaise bahut gandi si smell aati. To agar gandi si smell aa jaye to uska matlab kya bana hua bachcho, carbol amine bana hua. To hum iski reactions dekh lete hain. To chaliye hum reactions dekh lete hain bachcho. CH3 NH2 react with chloroform and the formula of chloroform CHCl3 in the presence of KOH. The reaction slow goes like this: CH3 N C. This is the methyl isocyanide. Methyl isocyanide plus KCl plus 3H2O. This is the carbol amine reactions. अब हम बच्चों इसकी में पढ़ेंगे बच्चों इसकी mechanism, mechanism of this chemical equation. तो mechanism start करते हैं बच्चों। तो mechanism मतलब ये जो chemical reactions है वो किस type से proceed होती है। तो हम start कर रहे हैं बच्चों mechanism. तो 1 minute students.
यस मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म. एंड आई कैन राइट द क्लोरोफॉर्म इन दिस मैनर, सी एल सी एल सी एल सी एंड एच. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो इस क्लोरोफॉर्म के फॉर्म इस क्लोरोफॉर्म के ऊपर क्या रिएक्ट करेगा बच्चों, के ओ एच रिएक्ट करेगा. के ओ एच मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट. अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो पोटेशियम है वो बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज. एंड ओ एच क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज. तो ओ एच, अब देखो इसमें वी नो दैट द क्लोराइड, ये जो क्लोरीन है ना बच्चों, ये क्या कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है. इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा यहाँ से. तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा तो फाइनली कार्बन के पास में क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी. अब कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान हो जाएगा. इसका मतलब क्लोरोफॉर्म क्या करता है, हाइड्रोजन को आराम से रिमूव कर सकता है. अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा, इस ओ एच से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. और इससे ओ एच से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा. और वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, सी एल सी एल सी एल एंड सी. अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, माइनस का चार्ज लगा देता हूँ. अब यहाँ पे बच्चों ये जो है ना क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है. क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो ये क्लोरीन क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगी. तो क्लोरीन किस फॉर्म में निकलेगी बच्चों, Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगी. अब ये जो क्लोरीन है ना बच्चों, ये क्लोरीन ये क्या करेगी, ये क्लोरीन इस के से रिएक्ट करेगी और इस के से रिएक्ट करके क्या बना लेगी बच्चों, KCl बना लेगी. तो KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी वो ये बन जाएगी. दिस इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज, सी सी एल सी एल एंड हियर लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर. पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा बच्चों. यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को यहाँ पे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो. तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब ये जो बच्चों ये जो स्पीसीज है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी. किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल, दिस विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है बच्चों, ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, ये एमाइन से रिएक्ट करेगा. और एमाइन में कौन सी एमाइन हमें लेनी है बच्चों, हमें प्राइमरी एमाइन लेनी. तो प्राइमरी एमाइन को मैं यहाँ इस टाइप से लिख देता हूँ, जैसे प्राइमरी एमाइन में ले लेता हूँ आर एन एच टू. तो आर एन एच टू को मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, ये लोन पेयर मिनो. ये जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ये रिएक्ट कर रहा है इससे. तो यहाँ पे मैंने लिखा सी एल इज सी सी एल सी एल. अब देखो अब ये जो लोन पेयर है ना बच्चों, ये जो क्या है बच्चों, इस कार्बन के पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है. तो मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है. अब ये नाइट्रोजन है ना बच्चों, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन के पास में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट करेगा. तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा. तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब एक स्पीसीज क्या करती है, अपने दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते किसी भी एटम से. तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है इस कार्बन से, कार्बन का एक भी इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग नहीं हो रही. तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पे एन एच एच आर, ये बन गया बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सी एंड सी एल सी एल.
अब यहाँ पे हमें बच्चों ये पता है कि ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिए थे, तो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ले लेगा, ये रिएक्ट करेगा बच्चों आगे किससे, KOH से रिएक्ट करेगा, ये KOH से रिएक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KOH। अब ये जो H है ना बच्चों, ये वाला H, ये जो H बाहर निकलेगा ये किससे रिएक्ट कर लेगा, इस OH से रिएक्ट करेगा, इस OH से रिएक्ट करेगा, और इस OH से रिएक्ट करके क्या बनेगा बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बन जाएगी, आर एन एच सी सी एल सी एल। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो है ना क्लोरीन, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो ये जो सी ये के है, ये सी एल से क्या होगा बच्चों, बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस के सी एल। तो यहाँ पे के सी एल इसके आगे बना देता हूँ, ये जो के है ना बच्चों, ये वाला के, इस सी एल से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा सी एल, ये सी एल नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव तो है ही है। अब ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से जब केसीएल बाहर निकलेगा तो ये मैं यहाँ से केसीएल बाहर निकाल देता हूँ, तो मेरे पास में नाउ द कंपाउंड इज आर एन एच कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन एंड सीएल, और एक और कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पे फिर बन गया। देखो ये जो बॉन्ड था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, ये किससे रिएक्ट करेगा, फिर KCl से रिएक्ट करेगा, ये KCl से रिएक्ट करेगा, सॉरी KOH से रिएक्ट करेगा। अब ये KOH से रिएक्ट करेगा तो अगेन सेम, ये जो H है वो किसके साथ में जाएगा, OH के साथ में, और ये जो K है वो किसके साथ में जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, पोटेशियम तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मेरे पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, आर एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड सी। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एमाइन रिएक्शन। सो आई थिंक द केमिकल इक्वेशन इज वेरी क्लियर, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज आस्क मी योर डाउट।